अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी वो पांच कंपोनेंट्स कौन से हैं कि जिनके बगैर देर इज नो कम्युनिकेशन, देर विल नॉट बी एनी कम्युनिकेशन इफ एनी वन ऑफ दीज फाइव कंपोनेंट इज मिसिंग। कोई कोई एक भी अगर मिसिंग है तो देर विल नॉट बी एनी कम्युनिकेशन। अब ऐसे कैसे भाई? हमने कहा कि जो पांच कंपोनेंट्स हैं डेटा कम्युनिकेशन के, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब डेटा जा रहा है तो ये पांच चीज़ें इन्वॉल्व हैं ना। देखने से तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि इनमें से अगर एक भी गायब हो गई तो देर इज़ नो कम्युनिकेशन। ठीक है, वो कैसे? ये जो पांच कंपोनेंट्स हैं डेटा कम्युनिकेशन के, दे आर सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा भाई। और जो हम बात अपनी कर रहे हैं कि भाई किसी एक को भी अगर इसमें से गायब कर दिया जाए तो कम्युनिकेशन रुक जाएगी, जाहिर है कि यार आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन हमेशा दो एंटिटीज के दरमियान होती है, यानी एक जो बात करे, दूसरा जो बात को सुने, एक सेंडर एक रिसीवर। इन दो में से अगर कोई एक भी नहीं होगा, ऑब्वियसली देर इज नो कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर सिर्फ सेंडर है तो वो किसको भेजे? कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि कोई दूसरा भी मौजूद हो जिसको आप अपनी बात समझाना चाह रहे हैं। जब दूसरा है ही नहीं तो देर इज नो कम्युनिकेशन। और अगर आप हैं, और अगर आप खुद नहीं है, सेंडर नहीं है, सिर्फ रिसीवर है, तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सेंडर और रिसीवर दोनों का होना बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में। तो पांच कंपोनेंट्स में से हम यही कह रहे हैं कि यार एक भी मिसिंग होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो शुरू के दो तो बड़े सिंपल से हैं कि भाई सेंडर नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि स्टार्ट कौन करेगा कम्युनिकेशन? और अगर रिसीवर नहीं है तो सिर्फ सेंडर अकेला अपने आप से ही बातें करेगा, जो कि अपने आप से तो उसकी कम्युनिकेशन हो जाएगी, लेकिन जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है कि जिसमें आप अपनी एक बात दूसरे को कन्वे करें, अपने आप को कन्वेंस नहीं कर रहे, किसी दूसरे को कर रहे हैं, तो उसके लिए रिसीवर का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा भाई, सेंडर भी मौजूद है, रिसीवर भी मौजूद है, दोनों हैं, दो एंटिटीज़ हैं, यानी आप भी मौजूद हैं और जो सुनने वाला है वो भी मौजूद है, लेकिन आप जो है वो बस में बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। तो जब एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, आपके दरमियान कोई टॉपिक ही नहीं है जिस पे आप बात कर सकें, यानी मैसेज ही नहीं है आपके दरमियान, क्योंकि आप जानते ही नहीं एक दूसरे को, और जब आपके दरमियान बात करने को कोई मैसेज नहीं है तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर का होना ज़रूरी है, लेकिन बीच में टॉपिक भी तो हो, जो चीज़ सेंड कर रहे हो वो चीज़ भी तो होनी चाहिए। अगर आपके पास सेंड करने को कुछ है ही नहीं, यानी वो मैसेज ही नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने को, तो ऑब्वियसली आप दोनों खामोश रहेंगे, और जब खामोश होंगे तो देर इज़ नो कम्युनिकेशन। तो एक चीज़ भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए, दोनों मौजूद हैं तो भाई फिर बीच में आपके पास बात करने के लिए टॉपिक भी होना चाहिए। ठीक है भाई, अच्छा भाई, आप भी मौजूद हैं, सेंडर रिसीवर भी मौजूद है, आपके दरमियान बात करने को टॉपिक भी है, आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जो रिसीवर है वो दुबई में बैठा हुआ है या अमेरिका में बैठा हुआ है या किसी और शहर में है भाई, तो आप भी हो वो भी हो और बीच में बात करने के लिए टॉपिक भी हो, लेकिन अब लाजमी ज़रूरत पड़ेगी मीडियम की। अगर वो आपके साथ भी बैठा हुआ है ना, तब भी मीडियम एयर है, आप जब उससे बात कर रहे हैं तो एयर के ज़रिए आपकी बात उस तक पहुंच रही है। अगर मीडियम बीच में से हटा दिया जाए, देर इज़ नो कम्युनिकेशन, चाहे आप क्लोज बाय हो, यानी नियर बाय, या आप दूर बैठे हो। और अगर आप दूर हैं तब तो लाजमी आपको मीडियम चाहिए। अब वो मीडियम जो है वो फ़ोन भी हो सकता है, वो ईमेल भी हो सकता है, वो लाउड स्पीकर भी हो सकता है, कि अगर आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन ज़रा से फासले में बैठे हुए हैं,
तो आप लाउड स्पीकर के जरिए बता दें भाई अपना मैसेज, वो भी एक मीडियम है, यानी सेंडर भी है रिसीवर भी है, दोनों के दरमियान बात करने को टॉपिक भी है लेकिन दूर है एक दूसरे से, तो अब मीडियम की भी ज़रूरत पड़ेगी लाजमी। इवन अगर करीब भी हैं तब भी एयर इज द मीडियम। तो ये चारों चीज़ें तो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि इनमें से अगर मैं एक चीज़ भी गायब कर रहा हूँ तो कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाती है। तो पांचवी चीज़ लिखी हुई है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या चीज़ है? हमने पहले देखा था कि जब भी कम्युनिकेशन में जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो एग्रीड कन्वेंशन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे पे एग्री कर जाए, ठीक है। मतलब सेंडर है, एक सेंडर भी मौजूद है, आप भी हैं, दूसरा शख्स भी मौजूद है, रिसीवर है, आप कोई बात करना चाहते हैं, आपके पास टॉपिक भी है बात करने को, बीच में मीडियम भी है, चले करीब करीब बैठे हुए तो एयर इज द मीडियम। लेट सपोज कि आप किसी और मुल्क में अमेरिका में हैं तो आप भी हैं, रिसीवर भी है, मैसेज भी है, बात करने को भी है, मीडियम भी मौजूद है, लेकिन जो दूसरा शख्स है वो चाइनीज है और आप उर्दू समझते हैं, तो भाई फिर दोनों कैसे कम्युनिकेट करेंगे? कम्युनिकेशन के लिए एग्रीड कन्वेंशन भी होना चाहिए, दोनों एग्री करें किसी एक प्रोटोकॉल पे, तभी तो कम्युनिकेशन होगी। अब अगर आप कम्युनिकेशन के लिए आप चाइनीज नहीं समझते और वो दूसरे साहब जो हैं वो उर्दू नहीं समझते, तो भाई फिर दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि कोई ऐसी प्रोटोकॉल यूज़ की जाए कि जो दोनों समझ सकें, या बीच में किसी किसी इंटरप्रेटर को लाया जाए। तो वो जो थर्ड चीज़ है कि जिसके ज़रिए दो लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, यानी वो रूल्स, वो सेट ऑफ रूल्स कि जो दो एंटिटीज के दरमियान कम्युनिकेशन में तय किए जा रहे हैं उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में जो प्रोटोकॉल है वो लैंग्वेज हो जाएगी, दोनों को एक ही लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, दोनों फिर एग्री करें कि हाँ हम अंग्रेजी में बात करेंगे, इंग्लिश में तो मैं भी थोड़ी सी समझता हूँ, वो भी समझता है, तो ये एक दूसरे की बात हो जाएगी। तो ये चारों चीज़ें हैं, लेकिन अगर बीच में एग्रीड कन्वेंशन नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे की ज़बान नहीं समझते, प्रोटोकॉल का होना लाजमी है भाई, वो तरीका होना चाहिए, तो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो पांचों चीजों का होना लाजमी है, ठीक है। यानी ये इस डायग्राम में यही लिखा हुआ है, सब कुछ इसमें यही मौजूद है। अच्छा, प्रोटोकॉल में अगर वर्बल कम्युनिकेशन है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वर्बल कम्युनिकेशन में तो चलो लैंग्वेज इज अ प्रोटोकॉल, बिल्कुल इसी तरह दो कंप्यूटर्स जब आपस में बात करते हैं, क्योंकि हमने जाहिर ऑब्वियसली हमारा टॉपिक डेटा कम्युनिकेशन का ही है, तो जब दो कंप्यूटर्स भी आपस में बात करते हैं तो इनके दरमियान भी एक एग्रीड कन्वेंशन होता है। दो मुख्तलिफ जबानों के जानने वाले कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर में जो एक कंप्यूटर है विंडोज का, दूसरा कंप्यूटर है यूनिक्स का, दो मुख्तलिफ जबानों के लोग हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम दो डिफरेंट हैं, एक विंडोज को समझ रहा है, एक की जबान विंडोज है, दूसरे की जबान यूनिक्स है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ये लोग। आपका कंप्यूटर, आप अगर अपने कंप्यूटर से किसी और मशीन में कनेक्ट इंटरनेट पे जा रहे हैं तो इंटरनेट पे आपका डेटा पता नहीं कौन कौन से सर्वर से होता हुआ जा रहा है, उनमें यूनिक्स के सर्वर्स भी होंगे जो एंटायरली दो डिफरेंट जबान जानने वाले कंप्यूटर्स होंगे। इनके दरमियान जो प्रोटोकॉल है जो आपस में इन दोनों को कम्युनिकेट कराती है, यानी वो जबान, यानी वो प्रोटोकॉल जो दो डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करा रही है, उसको TCP कहा जाता है। तो TCP/IP नेटवर्क्स में जो TCP/IP प्रोटोकॉल है ये दो कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन में होती है, दो डिफरेंट जबान जानने वाले कंप्यूटर्स में। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह कि आपको TCP/IP भी पढ़ना है, TCP/IP दोनों को अलग अलग भी पढ़ेंगे आप, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना जहन में रखें कि कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन में जो बड़ी इंपॉर्टेंट की रोल है वो TCP/IP प्रोटोकॉल का है, जो कि वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।